शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषय संस्कृत वर्णमाला। आज हम आप लोगों को पुनरावृत्ति करवा रहे हैं क्योंकि पीटी का परीक्षा अब 26 तारीख को होगा आप लोगों का, इसलिए अभी हम पहला पाठ से पुनः पुनरावृत्ति करवा रहे हैं संस्कृत वर्णमाला। अब चलिए अपने बुक की ओर चलिए। बुक में अधोलिखितम संवादम पठत, इस संवाद को पढ़िए। अध्यापक अध्यापक सागर ऐसा कह, सागर यह क्या है, सागर ऐसा वृक्ष, यह वृक्ष है। अध्यापक आम हाँ ऐसा वृक्ष परम किम भवान जानती, यह हाँ यह वृक्ष है परम किम भवान जानाती, क्या तुम जानते हो अस्मिन शब्दे कति वर्ण, इस शब्द में कितने वर्ण हैं। सर्वे छात्रा हस्तम उत्थाय समय समवेत स्वरेण वृक्ष अत्र दौ वर्ण। अध्यापक न न नहीं नहीं अत्र वाणी क मूर्धन्य स और विसर्ग इति खड़ वर्ण संति, ये वृक्ष शब्द में छ गो वर्ण होता है। सर्वे छारिया छात्रा आश्चर्य चकित आभवंती, और सर्वे सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए। अध्यापक आश्चर्य मां कुरु, क्यों आश्चर्य करते हो, मत करो। शब्दानां निर्माणम एवं एव वर्णानां संयोगेन भवति, यह वर्णों के संयोग से शब्द बना है। शब्द हम किसको कहते हैं, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम शब्द कहते हैं, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह शब्द कहलाता है। सर्वे छात्रा ओ परम यदि वर्णानां विन्यास भवति तदा किम कथ्यते, अगर वर्णों का विन्यास करेंगे तो क्या होगा। अध्यापक कहते हैं सहतु वर्ण विन्यास भवति अनुस का व जोर री जोर क जोर मूर्धन्य स जोर अ जोर विसर्ग ऐसा वर्ण विन्यास अस्ति, यह वर्ण विन्यास है, मतलब वर्ण को वर्ण शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विन्यास कहलाता है। अध्यापक आम हाँ एवं एव यदा वयम वृक्ष इति लिखाम तदा वर्ण संयोजनम भवति। सर्वे छात्रा अधुना वयम अवगच्छाम कथम वर्ण शब्दानां निर्माणम भवति। अब चलिए अध्यापक अधुना वयम संपूर्ण वर्णमाला पठिष्याम सागर अहम लिखामि। अध्यापक आम आम आगच्छतु सागर श्याम पट्टस्य समीपे गत्वा श्याम पट्टे लिखतः। अब देखिए वर्ण द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में किसी वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर वर्ण कहलाता है। व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वराते कथ्यन्ते जेसाम उच्चारणम स्वतंत्रतया भवन्ति, स्वरा त्रिविधा भसन्ति, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वरा दीर्घ स्वरा प्लूत स्वरा। परमं प्रमुख रूपेण प्रयोगं तु केवलं हर्ष स्वरा दीर्घ स्वरा च आगच्छन्ति। हर्ष स्वरा एतेषां उच्चारणे एकमात्राया प्रयोग भवति। अब देखिए हर्ष स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर तो दो प्रकार बताए हैं लेकिन तीन प्रकार होते हैं, हर्ष दीर्घ और प्लुत। प्लुत का दूसरा नाम संयुक्त स्वर भी है, अ ई उ री लरी ये हर्ष वर्ण है, आ बड़ी ई बड़ी उ री ये दीर्घ स्वर है। संयुक्त स्वर किसको बोलेंगे, ए आई ओ औ, अंग अह अयोगवाह में आ जाएगा। अब ध्यानानि तथ्यानि वर्णानां मेलनं वर्ण संयोजनं भवति, वर्णों के मिलान को वर्ण संयोजन कहते हैं, यथा व ई द य आ ल अ य अ
विद्यालयः वर्णानां विन्यासेन वर्ण विन्यासः वा वर्ण विनियोगः भवन्ति यथा छात्रा छ जोड़ आ जोड़ त जोड़ र जोड़ आ छात्रा वर्णानां मेलनं मेलने विन्यासे वा स्वराणां व्यञ्जनानां च प्रयोगः भवति नरः न जोड़ अ जोड़ र जोड़ अ नरः अत्र न र द्वे व्यञ्जने अस्तः परम अ तु स्वरः अस्ति और यह स्वर है वर्णानां द्विविधा भवन्ति स्वरा व्यञ्जनानि स्वरा त्रिविधा भवन्ति ह्रस्व अ इ उ ऋ लृ दीर्घ आ इ उ ऋ पुलुता ओम अनेन सह संयुक्ता स्वरा अपि भवन्ति अ जोड़ ई बराबर ए अ जोड़ ए बराबर आई अ जोड़ उ बराबर ओ अ जोड़ ओ बराबर औ। यहाँ से आपको इसका अभ्यास है, आप बनाइए स्वयं। अगर कहीं भी दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।